धनबाद जिले के बरवाडा थाना क्षेत्र से एक और तस्करी का मामला सामने आया है, जहां अजबडीह मोड़ के समीप तस्करी के लिए पश्चिम बंगाल की ओर ले जाए रही गौवंश लदे कंटेनर को गौरक्षा दल के सदस्यों ने पकड़ा है। गौरक्षा के सदस्यों ने मामले की जानकारी स्थानीय थाने को दी। इस दौरान भाजपा नेता रमेश पांडे अपने अंगरक्षकों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद गौरक्षा दल के सदस्यों और रमेश पांडे के अंगरक्षकों के बीच झड़प हो गई। पीड़ित सुमंत शर्मा ने कहा कि भाजपा नेता रमेश पांडे के अंगरक्षकों ने उनके साथ मारपीट की। वहीं रमेश पांडे ने कहा कि सुमंत शर्मा को ग्रामीणों के द्वारा पीटा जा रहा था, जिन्हें बचाने का काम किया गया। थी सुबह हमने एक कंटेनर पकड़ा, जिसमें अवैध तरीके से काफी मात्रा में गौवंशों को लेकर जाया जा रहा था बंगाल की ओर। हमने गाड़ी पकड़ी, थाना को सूचना दी, काफी देर के बाद थाना आई है। उसके साथ ही एक समाज सेवी हैं, भाजपा के नेता कहे जाने वाले रमेश पांडे, वो आते हैं अपने बॉडीगार्डों के साथ, हमें गाड़ी गौशाला ले जाने से रोकते हैं। जब हमने जबरदस्ती की कि नहीं गाड़ी हमने पकड़ी है, गौशाला लेके जाएंगे, चूंकि ये नियम है गाड़ी कोई भी पकड़ी जाए तस्करी की वो गौशाला जाती है, थाना में लिखित पड़त होता है, उसके बाद कहीं जाएगी गौशाला ही रखी जाती है उसको। लेकिन वो जबरदस्ती हमसे गाड़ी को ले जाने लगे, रुकवा दिए कि नहीं गाड़ी लेकर नहीं जानी है, और उसके बाद हमारे साथ मारपीट की गई। उनके 7-8 बॉडीगार्ड थे, उनके साथ धक्का मुक्की किया, गाली का बहाना बना के उन्होंने हमारे ऊपर हाथ उठाया है, चप्पल उठाया है, सड़क पे दौड़ा के मारा है हमें उन्होंने, और जबरदस्ती गाड़ी कहीं लेकर चले गए। ये सबसे पहले कि आज हम लोगों ने ग्रामीणों की मदद से गाय को पकड़ा है, ग्रामीण पकड़े हुए थे, और इस बीच में सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर कोई हिंदू गौरक्षा दल का चोला ओढ़ के 5,000 रुपये कंटेनर लेके गाड़ी पार करवा रहा है, और डायरी में उसका नाम आ रहा है, एक डायरी मिलता है गाड़ी से, डायरी में लिखा हुआ रहता है कि सुमित शर्मा है, वो 5,000 रुपया कंटेनर वो लेते हैं हर एक गाड़ी में पार कराने का, तो ये सबसे सोचने वाली बात है कि लोग किस पे विश्वास करें। लोग गौरक्षा दल पे विश्वास ना करें तो किस पे करें। तो इसलिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाया, और शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात आएगी कि सुमन शर्मा कैसे गौ तस्करी करवाते हैं जीटी रोड पर, और कैसे गाय की गाड़ी को